नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों का स्वागत करता हूँ। इस वीडियो में हमारा आज का टॉपिक है नॉट ओनली बट आल्सो, ना सिर्फ बल्कि। ठीक है, मैं हूँ अनिल कुमार और आप देख रहे हैं इंग्लिश टू हिंदी लर्निंग। तो क्या करें, शुरू करते हैं। नॉट ओनली बट आल्सो, ना सिर्फ बल्कि। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार है, सब्जेक्ट प्लस नॉट ओनली प्लस नाउन एडजेक्टिव मॉडल वर्ब हेल्पिंग वर्ब प्लस बट आल्सो प्लस नाउन एडजेक्टिव मॉडल वर्ब हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, इसी प्रकार से सेम है। तो स्ट्रक्चर हो सकता है चेंज भी हो जाए, मैं एग्जांपल से आपको ज़्यादा समझा पाऊँगा, लेकिन आप थोड़ा बहुत याद रखिए बस स्ट्रक्चर को। इसके अलावा मैं आपको बताता हूँ एग्जाम्पल। He is not only a teacher but also a writer. वह ना केवल एक शिक्षक है बल्कि एक लेखक भी है। तो मैं आपको इस सेंटेंस में बताऊं, टीचर नाउन है, राइटर नाउन है। ठीक है, मनोज नॉट ओनली रीड्स बट आल्सो अंडरस्टैंड्स। मनोज ना केवल पढ़ता है बल्कि समझता भी है। तो यहां पर नॉट ओनली के बाद रीड्स जो कि वर्ब है, वर्ब अंडरस्टैंड बट आल्सो के बाद वर्ब है। इसी प्रकार से और देखिए, सी इज नॉट ओनली गुड बट आल्सो ब्यूटीफुल। नॉट ओनली के बाद गुड, मतलब ये क्या है, एडजेक्टिव है, विशेषता है। ब्यूटीफुल क्या है, एडजेक्टिव है, विशेषता है। ठीक है, वह ना केवल अच्छा है, सॉरी वह ना केवल अच्छी है बल्कि सुंदर भी है। अब देखिए, ही इज नॉट ओनली गुड बट आल्सो अ राइटर। वह ना केवल अच्छा है बल्कि एक लेखक भी है। स्ट्रक्चर एकदम सही है, इस वाक्य में स्ट्रक्चर सही है, लेकिन इंग्लिश ग्रामर के अनुसार अगर यहां पर नॉट ओनली के बाद गुड मतलब एडजेक्टिव है, तो बट आल्सो के बाद एडजेक्टिव होना चाहिए, है ना, वो ब्यूटीफुल या कुछ होना चाहिए। तो इस कंडीशन में हम ये देखते हैं कि इंग्लिश ग्रामर के अनुसार है बस ये, लेकिन बोलचाल में हम कुछ भी बोल सकते हैं, एक लैंग्वेज है, है ना ये। लेकिन देखिए, ध्यान दीजिए, ही इज नॉट ओनली गुड बट आल्सो अ राइटर, ये यार सुनने में ही अजीब लग रहा है ना। वह ना केवल अच्छा है बल्कि एक लेखक भी है, ये क्या बात हुई ये कोई बात है नहीं, है ना वो अच्छा है, वो सुंदर है, आप कह सकते हैं ही इज नॉट ओनली गुड बट आल्सो स्मार्ट। ठीक है, वो ठीक हो जाएगा, वो तेज भी है, अच्छा भी है और तेज भी है, है ना। लेकिन राइटर यार थोड़ी माइंड लगाने वाली बात है। चलो ठीक है, मैंने आपको बताना था, मैंने आपको बता दिया कि ग्रामर के अनुसार भी क्या कहते हैं कि ठीक नहीं है, कुछ नियम लागू हो जाते हैं इस पे, पैरल वगैरह के नियम होते हैं वाक्य को जोड़ने वाले कुछ, तो उसके हिसाब से ये ठीक नहीं है। तो यही बताना था आपको, और इसके अलावा भी अभी मैं इस वीडियो में आपको बहुत कुछ बताने वाला हूँ, है ना। तो वीडियो छोड़ दोगे तो नॉट ओनली बट आल्सो हो जाएगा आपका, ना सिर्फ बल्कि, है ना। मनोज इज नॉट ओनली वर्किंग इन दिल्ली बट ही इज आल्सो स्टडीइंग हिज ग्रेजुएशन फ्रॉम गोरखपुर। मनोज ना केवल दिल्ली में काम कर रहा है बल्कि गोरखपुर से स्नातक की पढ़ाई भी कर रहा है। आप इस वाक्य को इस तरीके से भी कर सकते हैं, मनोज इज नॉट ओनली वर्किंग इन दिल्ली बट आल्सो स्टडीइंग His graduation from Gorakhpur.
मनोज ना केवल दिल्ली में काम कर रहा है बल्कि गोरखपुर से स्नातक की पढ़ाई भी कर रहा है। सेम वाक्य है, बस अंतर सिर्फ इतना है कि मैंने जो सेकंड वाक्य है इसमें बट आल्सो के बाद मैंने ही इज को हटा दिया। ही इज हटाने के बाद क्या बन गया ये वाक्य, बल्कि वह गोरखपुर से स्नातक की पढ़ाई कर रहा है। ठीक है, बस इतना अंतर आया इसमें। तो आप हटा भी सकते हैं या लगे भी रहने दे सकते हैं, तो इसमें कोई वो बात नहीं है। ठीक है, ही नीड्स नॉट ओनली फूड बट आल्सो शेल्टर, उसे खाना ही नहीं बल्कि आश्रय की भी जरूरत है। अब इस वाक्य को थोड़ा अलग तरीके से लिखते हैं। नॉट ओनली नीड्स ही फूड बट आल्सो शेल्टर, उसे खाना ही नहीं बल्कि आश्रय की जरूरत है। सेम है, ठीक है। तो नॉट ओनली आप पहले भी लगा सकते हैं, इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है, और ये कोई रूल को भी वो नहीं करता खराब। ही इज नॉट ओनली रिच बट आल्सो हैंडसम, वह ना केवल अमीर है बल्कि सुंदर भी है। अब एक और रूल आपको बता दूं, व्हेन देयर इज नॉट ऑक्सिलरी वर्ब और मैन वर्ब बी वी यूज डू डज एंड डिड। ठीक है, जब कोई सहायक क्रिया या मुख्य क्रिया नहीं होती है तो हम डू डज डिड का प्रयोग करते हैं। जैसे नॉट ओनली डिड माई फ्रेंड ब्रिंग मी टू द सिटी बट ही ऑल्सो फाउंड अ गुड जॉब फॉर मी, ना केवल मेरे दोस्त ने मुझे शहर में ले आया बल्कि उन्होंने मेरे लिए एक अच्छी नौकरी भी ढूंढी। क्लियर है, एकदम सिंपल है। नॉट ओनली इज मनोज गोइंग टू इंडिया बट ही इज ऑल्सो गोइंग टू गोरखपुर, ना केवल मनोज भारत जा रहा है बल्कि वह गोरखपुर भी जा रहा है। या आप इस तरीके से लिख सकते हैं, मनोज इज नॉट ओनली गोइंग टू इंडिया बट ही इज ऑल्सो गोइंग टू गोरखपुर। इसमें अंतर क्या है आपको दिखा? देखिए, मैंने मनोज को नॉट ओनली से पहले लगा दिया, लेकिन इससे पहले लगाने से कंडीशन ये हुई कि मैंने हेल्पिंग वर्ब इज को भी मनोज के साथ ही रखा। ठीक है, अब एक और देखिए, मनोज इज नॉट ओनली गोइंग टू इंडिया बट आल्सो गोइंग टू गोरखपुर। समझे, इसमें मैंने ही को हटा दिया, जो बट के बाद ही आ रहा है ही इज उसे हटा दिया। ये मैंने एक बार और बता दिया शायद इसी वीडियो में। ठीक है, जितना ज्यादा प्रैक्टिस होगी उतना अच्छे से आप समझेंगे, तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ही इज नॉट ओनली इंटेलिजेंट बट आल्सो फनी, वह सिर्फ बुद्धिमान ही नहीं बल्कि मजाकिया भी है। नॉट ओनली डज ही नीड्स, नहीं नीड्स नहीं होगा ना, डज लग जाता है तो नीड्स नहीं होता। नॉट ओनली डज ही नीड मनी बट ही ऑल्सो नीड्स अ कार। क्लियर है, ना केवल उसे पैसों की जरूरत है बल्कि उसे कार की भी जरूरत है। प्रैक्टिस ही सबसे ज्यादा जरूरी होती है दोस्तों। किसी नहीं, मैं भी नहीं बताऊंगा, जब खत्म हो जाएगा ना ये तो बताऊंगा। इन विंटर डेज आर नॉट ओनली शॉर्ट बट कोल्ड एंड डार्क, सर्दियों में दिन केवल छोटे ही नहीं बल्कि ठंडे और अंधेरे वाले भी होते हैं, या अंधेरे भी होते हैं। ठीक है, ही इज नॉट ओनली अपसेट बट आल्सो एंग्री, वह केवल परेशान नहीं बल्कि गुस्सा भी है।
नॉट ओनली शुड दे डांस बट ऑल्सो सिंग, ना केवल उन्हें नाचना चाहिए बल्कि गाना भी चाहिए। अब मैं आपको वो जो मैंने कहा था कि मैं एक बात बताऊंगा, हाँ तो मैं एक बात बताता हूँ कि एक व्यूवर्स ने मेरे से पूछा कि सर मैं अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कैसे करूँ, तो यार उसके लिए मैंने वीडियो बना रखी है और अगर इस वीडियो में मैं लेक्चर देने बैठ गया तो फिर बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी वीडियो, लेकिन मैं शॉर्ट में ही आपको समझा दूँ। प्रैक्टिस ही सफलता की कुंजी है, किसी भी चीज़ को हासिल करने के लिए बस आपको मेहनत करनी है, प्रैक्टिस करनी है, उसके ऊपर दिल लगा के पढ़ना है, कोशिश करनी है, उसे सीखने की जिद होनी चाहिए, ठीक है, यही है। और कोई ट्रिक आजमाओगे ना तो ट्रिक होती है वो आपके ऊपर भी ट्रिक लागू हो जाती है फिर, है ना। ट्रिक शॉर्टकट, शॉर्टकट और ट्रिक एक ही चीज होती है। शॉर्टकट मत अपनाओ, मेहनत करो और आसानी से सीखो। हाँ, और इसके अलावा मेरे एक व्यूवर्स, ठीक है, तो उन्होंने मेरे से कहा कि सर थैंक्स टू वॉच आप लिखते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग होता है, तो मैं आपको बता दूं, मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूं कि थैंक्स टू वॉच या थैंक्स फॉर वॉचिंग में कोई अंतर नहीं है, बस लिखावट में अंतर है, वर्ड्स में अंतर है और जो बू से आवाज निकल रही है उसमें अंतर है, बाकी मतलब सेम है। देखने के लिए धन्यवाद, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए कि थैंक्स टू वॉच और थैंक्स फॉर वॉचिंग में कोई अंतर नहीं, सिर्फ बोलने में अंतर है और दोनों का मतलब है देखने के लिए धन्यवाद। तो मैं आपको सलाह देना चाहूँगा कि जो मेरी ग्रामर की प्लेलिस्ट है आप वो देख लीजिए और उसमें जितनी वीडियो है सारी देखिए, ठीक है। आप चाहे तो एक दिन में देख लीजिए, आप चाहे तो उसे रेगुलरली वन वीडियो वन डे देखिए, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आप कि जो ग्रामर की कन्फ्यूज़न है या स्पीकिंग की, दोनों ही चीज़ एकदम क्लियर हो जाएगी। तो जब क्लियर होगी तो अपने आप ही आपकी इंग्लिश इम्प्रूव होगी, ठीक है। और ये नहीं है कि सिर्फ आपको देख लेना है फिर उसके ऊपर प्रैक्टिस नहीं करनी, अभ्यास ही नहीं करना, तो क्या कहते हैं कि फिर क्या होने वाला है, फिर कुछ नहीं होगा, देख लिए भूल गए, है ना। और मैं आपको बता दूँ कि मेरी सारी वीडियो इसी प्रकार की होती है, इसमें तो मैंने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया क्योंकि आपने काफ़ी रिक्वेस्ट की थी, तो मैं भी सोचता हूँ कि आपको बोल के बताऊँ, लिख के नहीं, ठीक है फ्रेंड्स। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक्स टू वॉच, टेक केयर, बाय।